मुसलमान के दिल में दीन की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत है। हम किसी भी लालच के लिए लड़ते नहीं हैं, कोई भी लालच हमारे जहन में नहीं होती। इसलिए अल्लाह की राह में लड़ने वाले हमेशा कहते हैं कि वो जिंदा रहते हैं, वो शहीद नहीं होते, वो जिंदा होते हैं। मैं इस मौके पे सबसे पहले उमर पराचा का जिक्र करूं। ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। इन्होंने कोहाट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर कोहाट के स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ किया वो मेरे सामने है। और आजकल जो बिजनेस कम्युनिटी में जो दीन की, जो कोहाट की खिदमत कर रहा है, वो भी किसी से छुपी बात नहीं है। हनान शाह जो मेरे कोहाट यूनिवर्सिटी का चमकता हुआ सितारा है, जब भी कोहाट यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन होता है, हनान शाह उसकी जान होती है। तो मुझे अपने इन दोनों शागिर्दों पे बहुत नाज है, बहुत फख्र है। जवानी में बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने जवानी में भी अपनी ज़िंदगी अपने दीन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने कोहाट के लिए वक्फ की है। मैं कोहाट के गयूर नौजवानों को, गयूर लोगों को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हमारे कोहाट की फिजा बहुत ही खुशगवार है। इस कोहाट के फिजा को खुशगवार बनाने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हम इस कोहाट को बहुत आगे ले जाएंगे। मैं चूंकि ये प्रोग्राम APS के हवाले से है, तो APS के उन तमाम बच्चों को जो शहीद हुए हैं, उनकी माँ को, उनके पेरेंट्स को, इनके बहन भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अपने मौजूदा जो मुअज्ज़ज़ीन आए हुए हैं, जो अराकीन आए हुए हैं, जो बच्चे आए हुए हैं, जो मुंतज़िमीन हैं, ख़ासकर जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस दिन को कायम दायम रखा और ज़िंदा रखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।